अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव निवासी कर्नल ज्ञान प्रकाश पांडे उसी गांव के रहने वाले प्रेम शंकर मिश्रा को लगातार पावर और ताकत से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। जहां पीड़ित को घर से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और पीड़ित पिछले 4 सालों से लगातार चक्कर काट रहा है, ऐसे में वो स्थानीय प्रशासन से लेकर DGP ऑफिस, मुख्य सचिव, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जनता दर्शन में 8 बार पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज तक वो दर दर ठोकरे खा रहा है। बताया जा रहा है इस मामले में साल 2018 में तत्काल जिलाधिकारी रही शकुंतला गौतम और नोडल अफसर कामिनी रतन चौहान ने मिलकर पुलिस फोर्स और PAC के साथ पहुंचकर कर्नल ज्ञान प्रकाश पांडे के द्वारा रास्ते में अवैध रूप से बनाई गई दीवार को बुलडोजर की सहायता से धराशाही कर दिया, लेकिन उसके बाद पुनः विपक्षी के द्वारा रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके लिए लगातार पीड़ित प्रेम शंकर मिश्र दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। वहीं पीड़ित ने बताया कि कर्नल ज्ञान प्रकाश पांडे के दबाव में पुलिस काम करती है, जिससे उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसे में प्रेम शंकर मिश्रा एक बार फिर जिला अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अपने जीवन को खत्म कर लेंगे। कर्नल ज्ञान प्रकाश पांडे द्वारा मुझे 5 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे रास्ते रोक रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, पुलिस को मिलाकर मेरे ऊपर कार्रवाई करा रहे हैं, मुकदमेबाजी करा रहे हैं, ना रास्ता आने जाने देते हैं, आए दिन आने जाने पर मारपीट भी कर रहे हैं, पुलिस से बताने पर पुलिस कोई जिम्मेदार नहीं बनती, पुलिस हिला वाली कर रही है, बहाने मार रही है, इधर उधर कर रही है, झूठी रिपोर्ट शासन को भेज दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा ये लिख दिया जा रहा है कि जो है मैं प्रार्थी कह रहा है कि मैं कार्रवाई पुलिस से नहीं चाहता, अगर पुलिस गुंडों से पुलिस लड़ेगी कि राजस्व लड़ेगा, राजस्व रास्ते खुलाने को तैयार, लेकिन पुलिस द्वारा कोई मतलब वो नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए हमको पीड़ा पहुँचाई जा रही है। कहां गए हैं हम? DM साहब को कम से कम 10 बार मिले, 20 बार पत्र उनको लिखा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कम से कम 5 बार SP साहब से, एडिशनल साहब से मिला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना अध्यक्ष से मिलने जाता हूं तो गाली दे के भगा देते हैं, और अन्य लोगों से मिलने पर मैंने DGP ऑफिस गया, DGP ऑफिस 5 बार मिला, दूसरे जिले को जाँच मिली, लेकिन मुझे पुलिस थाना क्षेत्र में बैठाना चाहती थी। उसके बाद मैं जनता दरबार मुख्यमंत्री से 8 बार मिला, 8 बार आदेश ही दिए गए जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को, मामले को जांच कर मामले को निस्तारण कराया जाए, लेकिन आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैंने मुख्य सचिव से भी पत्र लिखा, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दे। हमें न्याय चाहिए, एक एक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या? हमें न्याय नहीं मिलता तो अंतिम रास्ता जो भगवान के यहाँ जाने का होता है, यही हम करेंगे जिला अधिकारी के सामने, और पुलिस अधीक्षक की गोलियों से मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हूँ। उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया आज 2 सालों से, उन्हीं के चलते कोई छोटा अधिकारी काम नहीं करने पा रहा है, छोटे दरोगा नहीं काम करने, CO नहीं काम करने पा रहे हैं, क्योंकि कर्नल ज्ञान प्रकाश पांडे उनके ऊपर दबाव बना देते हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसके सबूत भी मेरे पास रखे गए, वीडियो भी रखे गए, लेकिन मेरे ऊपर, मैं एक पढ़ने वाला छात्र हूं, मेरे ऊपर NCR दर्ज कर दिया गया।